पटना के दबंग नेता अनंत सिंह के यहाँ से मिला है AK-47 राइफल और 26 खाली कारतूस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल गैलेक्सी फंडा पर। और अनंत सिंह हर कोई इनसे वाकिफ है। अनंत सिंह को छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है। अनंत सिंह वो शख्स हैं जिन पर पहले भी कत्ल के इल्ज़ाम लग चुके हैं। 2015 में इनको अरेस्ट भी किया गया था। दिन था 25 जून। 25 जून 2015 को पटना के SSP विकास वैभव के द्वारा इनको एक मर्डर केस में अरेस्ट किया गया था। और उस वक्त जो रिकवरी हुआ था वो था 6 खाली कारतूस, इंसेस राइफल का, 1 बुलेट प्रूफ जैकेट और खून से सना हुआ कपड़ा जो था प्रत्यूष यादव का। और प्रत्यूष यादव का खून किया गया था लदमा गांव में, जो है अनंत सिंह का गांव, या बोल सकते हो अनंत सिंह का अड्डा। अनंत सिंह बिहार के एक बहुत ही बलशाली और बहुत ही दबंग नेता हैं। उनके प्राइवेट रेसिडेंस जो लदमा गांव में है, जो उनका ही क्षेत्र है और उनका गढ़ माना जाता है, वहां से उनके एक प्राइवेट रेसिडेंस से अभी पटना पुलिस ने शुक्रवार को 2 गोल गोल वस्तुएं को बरामद किया है। और वो 2 गोल वस्तु को हैंड ग्रेनेड कहा जा रहा है। अब वो चेक करने के बाद ही पता चलेगा है क्या। इसके साथ ही AK-47 राइफल और 26 खाली कारतूस भी मिले हैं। अनंत सिंह अभी MLA हैं और एक दबंग नेता है। देखते हैं आगे क्या अपडेट्स आता है, क्योंकि पुलिस ने बॉम्ब स्क्वाड को भी बुला लिया है और आर्म्ड फोर्सेस को भी तैनात किया हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या अपडेट्स आते हैं, हम लोग आप लोगों तक पहुँचाएंगे। तब तक देखते रहिए गैलेक्सी फंडा।